जनता की सेवा के लिए। एक विकसित मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश का ही हो जाता है तब बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में अलग अलग कार्य क्षेत्र से जुड़े लगभग 400 प्रबुद्ध जनों एवं गणमान्य नागरिकों से प्रदेश की प्रगति पर संवाद किया और सुझाव आमंत्रित किए। सीएम श्री चौहान ने कहा कि हमने विकास की इस यात्रा में प्रबुद्ध जनों को जोड़ने का एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है। हमने तय किया कि बड़े कार्यक्रम के साथ हम इंटेक्चुअल से प्रबुद्ध जनों से उनके सामने भी हम मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2003 तक प्रदेश की कुल जीएसडीपी लगभग 71,000 करोड़ थी और ये साल 2021-2022 में 13.5 लाख करोड़ हो गई है। हमने लंबी छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश में 2016 से लेकर 2022 के बीच जो हमारी जीएसडीपी थी उसको दुगना कर दिया, ये अपने आप में चमत्कार था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में साल 2003 तक 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता थी जो आज बढ़कर 46 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में हमने 4 लाख किलोमीटर की शानदार सड़कें बनाई हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने नर्मदा मैया के घाट पर शक्तिशाली वाटर पंप लगाकर पाइपलाइन से क्षिप्रा मैया में पानी पहुंचाया। नर्मदा जी का पानी अन्य नदियों में भी ला रहे हैं। नर्मदा जी का पानी अब पाइपलाइन से रतलाम तक भी पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में बहनों को संबोधित किया एवं 1374 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मेरी बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सचमुच में लाडली बहना योजना बहनों की जिंदगी में और समाज की जिंदगी में भी एक सामाजिक क्रांति है। रतलाम में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंक लिंकेज के अंतर्गत जिले की 173 स्व सहायता समूह को 3,86,00,000 एवं 378 स्व सहायता समूह को 3,78,00,000 की राशि के चेक वितरित किए। लाडली बहनों ने सीएम श्री चौहान का 121 फीट लंबी राखी एवं जनजाति संस्कृति की पहचान तीर कमान भेंट कर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम जिला प्रशासन द्वारा तैयार प्राचीन इतिहास से अत्याधुनिक विकास की ओर रतलाम विषय पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्थित दशहरा मैदान पहुंचकर महाराज देवकीनंदन ठाकुर जी के प्रवचन सुने और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मां भारती के गौरव की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाले वीर सपूत मंगल पांडे जी के बलिदान दिवस एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता श्री बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर निवास स्थित सभागार में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामलाल उद्यान में बरगद आंवला मौसरी और सप्तपर्णी के पौधे रोपे।